सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी और बारिश, लॉकडाउन। तो एनीवेज गाइज, आज हम मेरे टेरेस पे जाएंगे बिल्डिंग के, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई है, उसकी वजह से वाटरफॉल्स और जो व्यू है, मतलब पहाड़ों के ऊपर जो क्लाउड्स आते हैं, वो मैं आपको मेरे इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों ने, मतलब मैंने और हर्षल ने जो डॉग्स के लिए एक शेड बनाई थी, मतलब उसका क्या हुआ और उस डॉग और उस बच्चे का क्या हुआ, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो आ चुका हूँ मैं अभी टेरेस पे, और मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि कुत्ते ने जो बच्चे दिए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने वहाँ पे ही उनको एक शेड बना दिया था प्लास्टिक का। तो उस पर वो एक 6-7 दिन रहे, उसके बाद फिर से उस कुत्ती ने, जिस जगह पे मैंने कहा था उस पैस्टर्स में मुझे उनको रखना है, तो उस कुत्ते ने खुद ही वहाँ पे उन बच्चों को ला के रख दिया। तो अभी सबको लग रहा है कि मैंने उन बच्चों को वहाँ पे ला के रखा है। तो चलता है, इतना कुछ नहीं है। हालांकि उन बच्चों को थोड़ा सा अभी 5-10 दिन के बाद वो खुद चलने लगेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तभी वो खुद ही बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। और उस बच्चों को मैंने फिर से कोशिश की कि जहाँ पे थे वहाँ पे जाके रखने की। तो 2-3 बार मैंने खुद और हर्षल ने उन बच्चों को वहाँ पे रखा, फिर आधे घंटे के बाद वो खुद ही फिर से उनको लेके वहाँ पे, मतलब नई जगह पे रख रही थी। तो सोचा कि वो तो ज़िंदगी भर तो यहाँ पे नहीं रहने वाले, तो चलिए 15-20 दिन के बाद वो खुद ही निकल जाएंगे यहाँ से, अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे, तो उतने दिन तक रहने देते वहाँ पे। तो चलिए व्यू दिखाते हैं। मैं बिल्डिंग के बैक साइड पे आया हूँ, और मुझे ना यहाँ पे एक पंछी का घोंसला दिखा था, ये उसमें शायद से अंडे हैं, ये रहे, ये है दो अंडे, यहाँ से वो निकल गए और आपको दिखे तो वो काफी आए हैं। ये रहे 1, 2, 3, 4, 5 और ये बड़ी वाली 6। और यहाँ पे मैंने आधी वीडियो एडिटिंग के लिए रख दी है। लॉकडाउन तो पूरा शुरू ही है और बाहर निकलने के लिए चांस बहुत कम, तो इसी वजह से मैं बाइक पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ इतने पेशेंट्स मिल रहे हैं। एनीवेज गाइस, बाइक पे घूमने के लिए नहीं मिला तो क्या हुआ,
हम लोग वैसे भी घर पे बैठ के किसी और के ब्लॉग्स या वीडियोस देख देख के इंस्पायर होंगे, और जैसे ही वही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग घूमने चले जाएंगे। तो एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो था, ज़्यादा कुछ बाहर वगैरह घूमा नहीं मैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।